नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। आज का दिन महिला किसानों के नाम है। सिर्फ महिला किसानों के ही नहीं, महिला किसानों के समर्थन में, उनके हक की दावेदारी के पक्ष में खड़ी महिलाओं की बड़ी तादाद में उतरी फौज के नाम है। ये तमाम लोग भीषण ठंड को झेलते हुए, उससे लड़ते भिड़ते, देश की राजधानी दिल्ली को चारों तरफ से घेरे किसानों के पक्ष में बड़ी संख्या में उतरी। और इन्होंने एक बात का ऐलान किया बहुत साफ साफ, बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के, कि किसानों में महिला किसान देखना समझना, मिलॉर्ड, आपको शुरू कर देना चाहिए। एक बात बहुत खास, जिस समय देश में महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है, सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं, देश के अनेक हिस्सों में महिला किसान, महिला संगठन के लोग, महिला कार्यकर्ता बड़े संख्या में उतरे हैं। तीनों कृषि कानून के खिलाफ उतरे हैं। वह उस समय उतरे हैं जिस समय किसान आंदोलन को एक बड़ी साजिश में तब्दील करने के लिए देश का गृह मंत्रालय पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर से जिस तरह से NIA ने शिकंजा कसा है, शिकंजा कस रहा है किसान नेताओं के ऊपर, उस पर जो आक्रोश है, उसके बीच इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का सड़कों पर उतरना, ट्रैक्टरों और बसों में भरकर किसानों के साथ खड़ा होना, बड़े राजनीतिक मायने लिए हुए है। बहुत ही दिलचस्प बात है कि एक तरफ तो केंद्र की मोदी सरकार और उनकी पूरी की पूरी टीम, जिस तरह से हमने देखा कि NIA ने पूरा का पूरा मामला बनाया है, किसान नेताओं को दबिश की है, बुला रहे हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जांच करने पे उतारू है कि किस तरह से उग्रवादियों के साथ किसान नेताओं का संबंध है, ये सारी साजिशें तो दिखाई दे रही हैं या गढ़ी जा रही हैं। वहीं उस समय जो अर्नब गेट आया है, जी हाँ, रिपब्लिक TV के प्रमुख अर्नब गोस्वामी का जो व्हाट्सएप चैट रिलीज हुआ है, लीक हुआ है, उससे पता चलता है कि देश में सत्ता में बैठे लोग जब साजिश करते हैं, उनकी साजिश में कौन कौन शरीक होता है और किस बड़े पैमाने पर साजिशें होती हैं। इसे आज की तारीख में और ज़्यादा याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो स्टेट मशीनरी है, वह पूरी तरह से किसान आंदोलन को एक दूसरे ढंग की साजिश की गर्त में ढकेलने पर उतारू और आमादा नज़र आ रही है। ऐसे तमाम लोगों को पूछना ज़रूरी है कि भाई, आपको अर्नब का स्कैम दिखाई दे रहा है? किस तरह से वह राष्ट्रीय सुरक्षा को धता बताते हुए तमाम और लोगों के साथ, और ख़ास तौर से अपने अपने TRP वाले पूरे स्कैम में, देश के गृह मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री को लेकर, उनके कार्यालय को लेकर किस तरह का हंसी मजाक कर रहे थे? जब NIA दबिश डाल रहा है किसानों पर, तब उसी NIA को शायद ही यह भी दिखाई दे कि यह जो बड़ा घोटाला उसकी नाक के नीचे हो रहा था, जिसमें देश की सुरक्षा के साथ सीधे सीधे 100% खिलवाड़ हो रहा था, उसमें उसे कुछ करना चाहिए या नहीं। महिला किसान, महिला किसानों के समर्थन में उतरी बड़ी संख्या में महिलाओं ने मिलॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत करारा जवाब दिया। उन्होंने बताया कि आप बहुत प्रेम से कह देते हैं, बहुत शुभचिंतक बनकर बताते हैं कि महिलाओं और बूढ़े लोगों को वापस चला जाना चाहिए, उन्हें आंदोलन में नहीं उतरना चाहिए। यहाँ पर हजारों लाखों की तादाद में जो महिलाएं उतरी आज, उन्होंने बताया यह मिट्टी हमारी है, हम महिला किसान हैं, खेती पर हमारी दावेदारी उतनी ही है जितनी एक मर्द की है। और अगर ये तमाम लोग यह मान रहे हैं कि जो 3 कृषि कानून आए हैं, यह देश की खेती को बेचने वाले हैं, देश को गुलाम बनाने वाले हैं, इसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर
हिस्सा लेंगी, यह उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक हक है। खेती का काम, बहुत सारा काम महिलाएं खुद करती हैं, लगभग 70% काम कई जगहों पर किसानी का वो महिलाएं करती हैं। वो महिलाएं किसान हैं और अगर कृषि पर संकट आएगा तो वो संकट महिलाओं को ही झेलना पड़ेगा। इसलिए एक किसान के रूप में और एक महिला के रूप में, दोनों ही रूप में महिलाओं का जो कृषि क्षेत्र में काम है, जो उसका श्रम है, उस श्रम को महत्व देने के लिए महिला किसान दिवस की जरूरत है। महिलाओं को जो अधिकार है एक किसान महिला के रूप में, हमारा समाज भी आज महिलाओं के किसान के रूप में मान्यता नहीं देता है, उसके अधिकारों की गारंटी नहीं करता है। और हमारी सरकार भी कृषि काम में लगी हुई महिलाओं को जो बहुत सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो हक मिलना चाहिए, वो एक किसान महिला के रूप में उसके हक की गारंटी नहीं करती। तो किसान महिला दिवस का महत्व इसी रूप में है। सुप्रीम कोर्ट का जो बयान है, ये बेहद अफसोस की बात है कि हमारे मुख्य न्यायाधीश इस तरह की बात कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि महिलाओं की जगह सिर्फ घर के भीतर है, चूल्हे चौके पर। हमारा संविधान जो अधिकार देता है महिलाओं को, वो बराबरी की हकदार है समाज में। वो अगर अपने अधिकारों के लिए बराबर की लड़ाई लड़ सकती है, अगर उनके अधिकार बराबर हैं, तो वो आंदोलन में भी, अपनी ड्यूटी में भी वो पीछे कैसे रह सकती है। महिलाएं इस आंदोलन में अपनी भूमिका, अपनी समझ से, अपने निर्णय से आंदोलन में शामिल है। आज देश का कोई भी राज्य, कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं रहा जहां महिला किसान खेती पर अपनी दावेदारी को जताने के लिए उतरी ना हो। एक भी राज्य ऐसा नहीं रहा जहां इन महिलाओं के साथ बाकी महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलकर यह नहीं कहा, औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा। और इसके साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत अहम बात भी कही। उन्होंने बताया कि जब भी लोकतंत्र और जमहूरियत को बचाने की कोई भी लड़ाई लड़ी जाएगी, इसमें औरतों की शिरकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। आज महिलाओं के इस समूह को देखकर गोरख पांडे की मशहूर कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। अंधेरे कमरों और बंद दरवाज़ों से बाहर आकर सड़क पर, जुलूस में और युद्ध में तुम्हारे होने के दिन आ गए हैं। यह तमाम महिलाएं परचम लहराते हुए बहुत साफ साफ कह रही हैं कि चाहे वह महिला किसान दिवस हो या 26 जनवरी को अपने ढंग से मनाने का फैसला, किसान नेताओं के साथ साथ महिला किसानों की दावेदारी कहीं भी कम नहीं रहेगी। वे ट्रैक्टर और बसों से इन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी जंग को जारी रखेंगी। शुक्रिया।